अर्थव्यवस्था के आंकड़े रोज आपके सामने आ रहे हैं। अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में सरकार की विफलता, नाकामयाबी निरंतर आपके सामने आ रही है। ये ऐसी सरकार है जो आरबीआई के रिजर्व, कैपिटल रिजर्व से भी पैसे ले लेती है। ये ऐसी सरकार है जो मुनाफा प्राप्त करती हुई सरकारी कंपनियों को बेचने को तैयार हो जाती है और सरकारी कंपनियों को कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ती, जानबूझकर उन्हें घाटे में रखा जाता है। टेलीकॉम सेक्टर यह एक ऐसा क्षेत्र है जो हमारी आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आज 1 दिसंबर को कॉल चार्जेस और डेटा चार्जेस बढ़ाने की बात आपने भी सुनी, हमने भी सुनी। यूपीए 1 और 2 के वक्त 13 सर्विस प्रोवाइडर्स थे निजी क्षेत्र के, टेलीकॉम प्रोवाइडर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स, टीएसपीस। प्रतियोगिता थी, बीएसएनएल और एमटीएनएल भी थे, तो निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों में भी प्रतियोगिता थी। कॉल चार्जेस कम होते थे, डेटा चार्जेस कम होते थे, और दुनिया में सबसे कम की कैटेगरी की श्रेणी में आता था कि हिंदुस्तान में कॉल चार्जेस और डेटा चार्जेस सबसे कम श्रेणी में आते हैं। आज वो वक्त है कि जब ले देकर 3 निजी क्षेत्र की कंपनियां बची हैं, 3 भी ज्यादा बोल रहा हूं, जियो, भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया की जो स्थिति है वो गंभीर है, संकट बहुत है उस पर, तो उसको चलो हम फिर भी मान लेते हैं कि 3 कंपनियां हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की एमटीएनएल और बीएसएनएल, इस मंच से हमने आपको कई बार उनकी हालत बताई, उनका स्वास्थ्य बताया। तो 2 कंपनियां इनमें से, जो 3 में से जो 2 कंपनियां हैं वो तो आज 1 दिसंबर से अपने कीमतें बढ़ा रही हैं और 2 चरणों में बढ़ाएंगी। एक तो वो आज स्वयं बढ़ाएंगी और दूसरा TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो भी उनको अनुशंसा करके वो भी बढ़ाएगी। तीसरी कंपनी रिलायंस जियो आने वाले कुछ सप्ताहों में कीमतें बढ़ाएगी। आप एक औसतन आंकड़ा अगर निकालें कॉल जो हम करते हैं टेलीफोन की, तो महीने में अगर 100 रुपए भी बढ़ोतरी होती है बिल में, जो कि एक औसतन है, किसी की 50 रुपए होगी, किसी की 25 होगी, किसी की 1000 होगी, तो औसतन हम 100 मान लेते हैं मिनिमम। 120 करोड़ उपभोक्ता मल्टीप्लाइड बाय 100, 12000 करोड़ प्रति माह निजी कंपनियों को लाभ मिलेगा। वहीं आप डेटा सर्विसेज को ले लीजिए, औसतन 200 रुपए मासिक बढ़ोतरी, मल्टीप्लाइड बाय 120 करोड़ इज इक्वल टू 24,000 करोड़। ये लाभ सीधे सीधे उपभोक्ता की जेब से निकलकर निजी कंपनियों की जेब में जाने वाला है। आपत्ति क्या है? निजी क्षेत्र की जो ये कंपनियां हैं, जो इनका बकाया राशि है जो इन्हें सरकार को देनी है वो है 1,47,000 करोड़। दिस इंक्लूड्स द लाइसेंस फी एंड द स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस। 1,47,000 करोड़, 1,47,000 करोड़ इज द ड्यू विच दीज प्राइवेट ऑपरेटर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स हैव टू पे टू द गवर्नमेंट। सरकार का क्या रवैया रहा? सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि जनवरी 2020 तक ये तमाम कंपनियों को अपनी बकाया राशि सरकार को दे देनी चाहिए। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड दैट द ड्यूज ऑफ दीज कंपनीज शुड बी क्लियर्ड बाय जनवरी 2020। सरकार ने क्या किया? कैबिनेट मीटिंग की, इनको 2 साल की रियायत दे दी, 2 साल की मोहलत दे दी इंटरेस्ट पर, 2 साल की मोहलत दे दी मूल धन पर, द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट एवरीथिंग, 2 ईयर्स यू फ्री। तो आपने एक तरफ तो इन कंपनियों को वो लाभ पहुंचाया कि 2 साल मोहलत दे दी,
दूसरी तरफ आप ये अनुमति दे रहे हैं कि 12 से 24 हजार करोड़ प्रति माह ये कंपनियां कमाएंगी, हमारी और आपकी जेब से कमाएंगी। अब आप तुलना कीजिए जो सौतेला व्यवहार हो रहा है सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियों से, बीएसएनएल और एमटीएनएल। इनको आपने 4G नहीं लेने दिया, 5 साल हो गए प्राइवेट ऑपरेटर्स 4G चला रहे हैं, आप आज इनको 4G देने की बात कर रहे हैं। Why have you delayed the process of permitting them to use 4G for 5 years? 5 साल की का विलंब क्यों? तो बेसिकली what you are doing is you are ensuring that these companies are bled to death. आप इनको पैसा नहीं लेने दे रहे, इनके कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलती, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस के वक्त दूर दराज के इलाकों में जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से ग्रसित इलाके थे, नक्सल हिंसा से ग्रसित इलाके थे, पूर्वोत्तर के राज्य थे, ग्रामीण भारत था, उन सब में बीएसएनएल को हमने काम दिया था कि आप जाइए वहां सेवाएं देना शुरू कीजिए। इस सरकार ने आते ही ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं जो बीएसएनएल से लेकर निजी हाथों में सौंप दिए। आखिर क्यों? हमारा यूपीए 1 और यूपीए 2 का मूल मंत्र था जियो, हिंदी वाला, डोंट कंफ्यूज, और जीने दो। तो निजी क्षेत्र भी चलेगा और सार्वजनिक क्षेत्र भी रहेगा। इस सरकार का मूल मंत्र है जे आई ओ, जियो, और बाकी सबको मरने दो। तो ये मूल फर्क है हमारे में और इस सरकार में। इसका कारण आपको मैंने बता दिया और इसका जो नतीजा है वो सबके सामने है। बीएसएनएल और एमटीएनएल के कर्मचारियों की स्थिति देखिए, इन दोनों कंपनियों की जो कि लाभ देती थी, हमारे वक्त 7,838 करोड़ का लाभ देने वाली कंपनी आज 11,000 करोड़ के नुकसान में क्यों है? मोदी जी, आपसे हमारे दो प्रश्न हैं। सरकारी उपक्रम की कंपनियों जैसे एमटीएनएल, बीएसएनएल, बीपीसीएल, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आदि से आपकी क्या दुश्मनी है? आप क्यों इन्हें कमजोर करते हैं और अगर वो कमजोर नहीं हो रही फिर भी बेच देते हैं? और निजी क्षेत्र की कंपनियों से आपके क्या रिश्ते हैं, ये भी जानना जरूरी है। अब समय आ गया है कि ये सरकार इन तमाम क्षेत्रों की जो क्रिटिकल सेक्टर्स हैं उनमें जो निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं उनसे आपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से कितना पैसा चुनाव में लिया है आज सार्वजनिक कर दें तो हमें समझ में आएगा कि कुछ लेन देन है आपकी, इसलिए आप इनके हित के काम करते हैं और सरकारी कर्मचारी कंपनियों को कमजोर करते हैं। देयर हैज टू बी अ क्विड प्रो को। व्हाई वुड अ गवर्नमेंट गो आउट ऑफ इट्स वे टू डिस्ट्रॉय द प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर कंपनीज एंड ट्राई एंड मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर कंपनीज? एट द एंड ऑफ द डे वी एंड अप पेइंग फॉर दीज स्टंट्स। हमारी और आपकी जेब से पैसा जा रहा है, इसलिए आपत्ति है, इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, इसलिए ये प्रश्न उठाए जा रहे हैं। आपके प्रश्नों का स्वागत है। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस फर्स्ट एंड देन? नो क्वेश्चंस, विच मीन्स यू आर कन्विंस्ड। एनी अदर क्वेश्चन? What was that event? Gita. Does the Bhagavad Gita belong only to Mohan Bhagwat and his organization? We breathe the same air as Mohan Bhagwat and we. Does that mean that we are sharing something or we share the views of Mohan Bhagwat? I don't understand this question. It so happens that if they are celebrating Bhagavad Gita, people from different ideologies have every right to attend such functions. I don't see anything wrong in that. Anything else? कोई और प्रश्न? जी
पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखिए तो ये 3D सरकार है, डिस्ट्रैक्ट, डिवाइड एंड डाइवर्ट। आपकी आपका ध्यान इन मुद्दों से हटाया जाएगा लेकिन इन मुद्दों के बारे में कुछ नहीं किया जाएगा, अर्थव्यवस्था के विषय में कुछ नहीं किया जाएगा। आज फ्लैश आया कि 1,03,000 करोड़ GST का इन्होंने इकट्ठा किया इस महीने, तो ये टारगेट तो जुलाई 2017 का था। आज आप क्यों अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि 14% तो इस सरकार ने माना था कि ग्रोथ होनी चाहिए कलेक्शन में, हर 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 साल जो स्टेट्स को लौटाना था इनको, तो अगर 14% भी मान लें तो 1,35,000 करोड़ होना चाहिए। 1,03,000 करोड़ जो कि जुलाई 2017 का टारगेट था GST कलेक्शन का, उसमें अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, तो अर्थव्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि इन्हें यह नहीं मालूम कि समस्या है कहां से, इन्हें यह नहीं मालूम कि इनकी कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से आज हम तबाही के कगार पर खड़े हैं। नोटबंदी, हम बार बार दोहराते हैं, सबसे पहला घातक हमला था अर्थव्यवस्था, फर्स्ट फेटल ब्लो ऑन आर इकोनॉमी वॉज डीमोनेटाइजेशन। गलत तरह से GST लागू किया जाना दूसरा हमला था, उसके बाद तो हमले ही हमले होते गए। कॉरपोरेट टैक्स घटा दिया आपने, समस्या कंजम्पशन साइड की है, आप प्रोडक्शन साइड में लाभ पहुंचा रहे हैं, तो आपको समस्या ही नहीं मालूम है, तो आपसे हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप इलाज कर पाएंगे। No, but there is a CAG report on the scam. The account, the AG of the state has come up with this, that there has been a scam in the NRC in Assam. So if Hemanta Biswa Sharma is saying that, whatever his motives are, the fact of the matter is that the AG has said this. पहले भी इजिप्ट से इन्होंने लिया कुछ हफ्तों, एक हफ्ते पहले। इनकी स्ट्रेटजी क्या होती है कि अगर प्याज की कमी हो रही है या कीमतें बढ़ रही हैं तो APMCs में रेड करवा दो। आप जो भी APMCs को समझते हैं या जाकर देख चुके हैं या उस सिस्टम को समझते हैं, आप जानेंगे APMC में तो स्टोरेज होता नहीं है प्याज का, तो आप क्या ढूंढने गए वहां? वहां तो आधा घंटा ट्रक को खड़े होने का समय बड़ा मुश्किल से मिलता है, वहां स्टोरेज नहीं होता, तो आप अपनी रेडिंग टीम्स वहां किस लिए भेजते हो, क्या खाना पूर्ति करना चाहते हो ये बताइए। इंटेंशन नहीं है किसी समस्या का निदान करने की, सिर्फ ऑप्टिक्स हैं, सिर्फ दिखाने के लिए, सिर्फ दिखावे वाली सरकार है कि देखो हमने रेड डाल दी, इतनी रेड्स डाली। इंपैक्ट क्या हुआ? रेड्स कहां डाली, प्रश्न ये उठता है, रेड्स डाली कहां आपने? आपको नहीं मालूम, आपकी इतनी इंटेलिजेंस, लोकल इंटेलिजेंस नहीं है कि कहां स्टॉक्स रखे हुए हैं, कहां स्टोरेज होता है, कहां गोदाम है। तो कितनी ही खेपों का ये ऑर्डर कर लें, डॉलर और प्याज की कीमतों में शायद अब प्याज ज्यादा आगे बढ़ गया। किसी ने तो हिम्मत जुटाई ये जानकर अच्छा लगा, और ऐसी आवाजें और आनी चाहिए, ना केवल राजनीतिक मंचों से, क्योंकि हमारे लिए तो आप कहेंगे हमारी आदत है, बात हो नहीं है। हर क्षेत्र में एक भय का माहौल है, और जब भय का माहौल होता है तो निवेश कैसे आएगा? उद्योगपति इस बात को अच्छी तरह समझता है, व्यापारी इस बात को अच्छी तरह समझता है, जिस समाज में सौहार्द नहीं होगा, इफ देयर इज नो हार्मनी इन अ सोसाइटी, व्हाई वुड आई पुट माय मनी इन दैट सोसाइटी, इन दैट कंट्री, इन दैट सिटी? तो पहले आपको उस माहौल को बदलना जरूरी है। ये बात उन्होंने कही और बड़ी हिम्मत दिखाते हुए कही, इसीलिए तो सब कहते हैं हमारा बजाज। What Mr. Rahul Bajaj said is the sentiment shared across the country, across every sector. The atmosphere of this country has been vitiated. And I'm sure it's not beyond repair because the country has some resilience. But the atmosphere has been vitiated over the last 5 years. And if there is no harmony in a society,
in a country, in a city, how do you expect investors to come and put their money there? Money only goes where it can thrive, where it can celebrate itself, where it can multiply, where it can grow. And it can only grow in areas where there is peace and harmony and mutual interdependence and happiness. तो जो सरकार डिजिटल इंडिया का दावा भरती है, आपने देखा हमारे सुरक्षा ठिकाने तक सुरक्षित नहीं है साइबर क्राइम से, साइबर इन्फिल्ट्रेशन से। आपने देखा पेगासस का मामला कि कैसे आप जैसे पत्रकार, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रतिद्वंदी, उनके इंटेलेक्चुअल सब खतरे में हैं, जब सरकार खुद स्टेट स्पॉन्सर्ड साइबर टेररिज्म को देख रही है, उसके सामने हो रहा है और उसको बिल्कुल उसका जवाब देते नहीं बन रहा है मंत्री महोदय से संसद में, तो ये बड़ी खतरे की घंटी है। ये तो एक आध उदाहरण आप दे रहे हैं, लेकिन अनेकों उदाहरण, अभी एक हफ्ते पहले गूगल ने भी एक चेतावनी दी। तो इस देश में डिजिटल इंडिया एक नारा बन के रह गया है। कहीं मेरी और आपकी जो निजी डेटा है वो सुरक्षित नहीं है। धन्यवाद।